आज हम बात कर रहे हैं लुकअप मेथड में मैच और इंडेक्स के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने मैच और इंडेक्स को नहीं पढ़ा था, हमने जस्ट वी लुकअप को पढ़ा था। और आज हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे मैच और इंडेक्स के बारे में। चलिए, तो मेरे पास एक डेटा है जो आप देख रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका डेटा हमेशा फर्स्ट रो में होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट को लेके चलता है। बट मेरे पास कुछ डेटा है सैंपल, मैं कुछ ही डेटा उठाता हूँ उसमें से। उसमें मेरा जो यूनिक आईडी है जिसके बिहाफ पे हमें लुकअप करना है वो कुछ कॉलम्स के बाद है। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास आईडी नंबर में 7 है और मुझे 7 का क्वार्टर जोन डेट और सिटी चाहिए, तो ये चीजें वी लुकअप नहीं ला पाएगा। वी लुकअप इस आईडी के बाद के जितने भी कॉलम है उसको लुकअप कर सकता है, लेकिन उससे पहले की जो चीजें है उसको लुकअप नहीं कर सकता है। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे। तो हमने आपको लास्ट क्लासेस में एक और फॉर्मूला के बारे में बताया था, मैच। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों लगता है, पहले जान लीजिए, किसी भी सेल वैल्यू को रो या कॉलम में। तो मैंने रो में पता किया और फिर इसका रो इंडेक्स नंबर देता है, तो रो इंडेक्स नंबर इसका 8 है। आप कंफ्यूज रहे होंगे कि 8 ए तो नहीं दे रहा है। जी नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं नंबर को 102 इस तरह से 100 में दे दिया। अब मैं 103 को लेता हूँ, 103 को लेता हूँ। तो यहां से काउंटिंग इसने स्टार्ट किया 1 2 3 और इसका एंड 4, तो ये 4 यहाँ पे शो कर दिया, राइट। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर जो डेटाबेस डली होती है उस डेटाबेस के अंदर में जो रो नंबर होते हैं, जो भी रो नंबर है, उस रो नंबर मतलब रो इंडेक्स नंबर मतलब कि यहां से 1 2 3 4, और जो कॉलम नंबर है, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे इसका सिटी चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4 दे दिया हमने, तो ये हैदराबाद आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे नंबर चेंज करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे करूंगा 108, तो क्या होगा, 108 का ये निकल के आएगा रो इंडेक्स नंबर, और फिर उसके हिसाब से इंडेक्स जो है आपको वैल्यू दे देगा। किसी को डाउट इसमें? संतोष जी, अमित जी, अखिल जी? नो सर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसमें एक प्रॉब्लम की बात करते हैं कि आपको इंडेक्स में पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर में आपका डेटा अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर जो रेंज आपने दिया है इसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला, लेकिन मैच हम तो चाहिए ही चाहिए। अगला फॉर्मूला है आपका ऑफसेट का। ऑफसेट भी इंडेक्स की तरह ही डेटा को लुकअप करके देता है, लेकिन इसको सिर्फ एक स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा डेटा स्टार्ट कहां से हो रहा है और कितने नंबर रो और कितने नंबर कॉलम, आपको डेटा उठा के दे देगा। अब इसने 0 दे दिया। अब 0 क्यों दिया? क्योंकि ऑफसेट जो है काउंटिंग अपनी 0 से स्टार्ट करता है। हमने क्या दिया यहाँ पे? 9 दिया। इसने काउंटिंग शुरू किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो इंडेक्स के लिए 9 है वो इसके लिए 10 है, इसलिए आप इसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 108, और हमने कॉलन भी तो हमें कम करना पड़ेगा तो 3, तो ऑफसेट आपका काम करेगा। बस ऑफसेट में यही याद रखने की चीज है कि ये
जीरो से स्टार्ट करता है, इसलिए अगर हमारी मैच के जो रिजल्ट आते हैं उसमें से एक माइनस करने पड़ेंगे, जो हम कॉलम काउंट करते हैं वो एक से नहीं जीरो से काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है सर? अमित जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े जी। अब इसी में अगर मेरे पास डेटा हमारे पास है और इस डेटा को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं और फिर राइट क्लिक करके मैं उसको पेस्ट स्पेशल और इसको हम कर देते हैं ट्रांसपोज, मतलब कि जो डेटा हमारा वर्टिकल था जिसमें हमारे पास डेटा हमारे पास इस तरह से रो में थे, अब डेटा हमारे कॉलन में है। ठीक है, तो वी लुकअप का नाम इसलिए था क्योंकि वो वर्टिकल लुकअप था, वर्टिकल डेटा पे लुकअप लगाता था, इसलिए उसका नाम वी लुकअप था। बट मेरे पास डेटा हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे वी लुकअप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वी लुकअप सिलेक्ट जो भी सर्च करेगा वो कॉलम में सर्च करेगा, वो किसी पर्टिकुलर रो में सर्च नहीं करेगा। राइट सर? तो यहां पे एक दिक्कत है, तो इस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए? इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब कि मुझे अगर 5 नंबर आईडी का अगर मुझे मान लीजिए जोन पता करना है, 5 नंबर आईडी का जोन पता करना है, तो इसके लिए हम वी लुकअप नहीं एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। एच लुकअप लुकअप वैल्यू को हमने सिलेक्ट कर लिया जो कि हमारा 5 है और हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। तो याद रखिएगा टेबल जो सिलेक्ट करेंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, इस तरह से वी लुकअप की तरह इस तरह सेलेक्ट नहीं करेंगे, वर्टिकल हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे। एंड कॉमा, अब वहां पे हमने रो काउंट की कॉलम काउंट किया था, यहाँ पे हम रो काउंट करेंगे 0, 1 एंड 2, नहीं 0 नहीं 3, 1, 2, 3 होगा 3, और यहाँ पे हम कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। आपका एग्जैक्ट मैच हो गया। अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, 7 करता हूँ तो 7 आएगा। तो हम वी लुकअप एच लुकअप से इसको लुकअप कर सकते हैं। तो अब एच लुकअप से लुकअप कर सकते हैं तो हम इसको लुकअप इंडेक्स से भी और ऑफसेट से भी इसको कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि मैच बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है। तो इस रो नंबर 1 के अंदर में ये जो हमारा आईडी 7 है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कितने कॉलम में एग्जिस्ट करता है, ये बता देगा कि 8वें कॉलम में एग्जिस्ट करता है। फिर हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और डेटा को सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि 8वां नंबर रो को सिलेक्ट कर लिया जो कि मैच का रिजल्ट है, और यहाँ पे कॉलम नंबर जो कि हमारा कॉलम नंबर की जगह पे नहीं नहीं माफ कीजिएगा यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा कि हमारा जो रो नंबर है वो फिक्स है 3 दे देंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर जो होगा वो मैच का रिजल्ट होगा और यहाँ पे इसको हम दे देंगे, तो हमारा बिल्कुल वर्क करेगा इसके तरह से। और जाहिर सी बात है यहाँ पे आप ऑफसेट भी लगा सकते हो क्योंकि इंडेक्स में आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो रेफरेंस में जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे रो नंबर, चूंकि पता है 3 है तो यहाँ पे 2 डलेगा, और कॉलम नंबर में हम इसको -1 कर देंगे तो हमारा रिजल्ट ऑफसेट से भी आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भी मैच को अलग लगाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि मैच को अलग लगाएं, हम मैच को इसके अंदर भी लगा सकते हैं। अलग लगाने का पर्पस इसलिए था कि आपको समझाना, और दूसरी चीज जब भी आप इस तरह से 2, 4, 5 फॉर्मूले को मर्ज करेंगे तो मैं शुरुआत में करूंगा कि आप अलग अलग लगाएं और फिर उसके बाद
आप उसको कॉपी पेस्ट कर दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, अब मैच और इंडेक्स एक साथ हो गया, यहाँ भी हमने कॉपी किया, देखिए ऑफसेट और इंडेक्स कॉपी हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से यहां भी हमारा जो ए है इसको भी हम कॉपी करते हैं और इसको यहां जहां पे D18 है उसके जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं और यहां भी D18 के जगह पे पेस्ट कर देते हैं। या फिर आप चाहो तो इकट्ठा लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगाया ऑफसेट, हमने रेफरेंस को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे 3 नंबर रो दिया और यहाँ पे कॉलम नंबर जहां दिख रहा है वहां पे हमने मैच लगा दिया कि मैच 3 नंबर आईडी को सर्च करना है इस रो में एंड कॉमा 0 और एंटर मार दे। लेकिन इसमें हमने माइनस करना और माइनस वन करना हम भूल गए, क्योंकि माइनस वन करना जरूरी है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट सर इसमें आप लोगों को? नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला एग्जांपल, देखिए मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया एग्जांपल 1, दूसरा हमने यहाँ पे एग्जांपल 2 और तीसरा एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं जो कि वी लुकअप से रिलेटेड है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेल्स माने कुछ इस तरह का नंबर्स का लगाता हूँ, रैंडम बिटवीन फॉर्मूले से कुछ नंबर्स ले आता हूँ। पेस्ट एज ए वैल्यू। अब हमारे पास याद होगा जब हमने आपको इफ का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो मान लीजिए मुझे इस पे इंसेंटिव देना है, 0 to 40 है तो 500, 41 to 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो तो यहां पे 1500 एंड ग्रेटर देन 100 पे 2000 का हमें इंसेंटिव देना है। और इसके लिए जैसे कि हम आपको पता है आपको किसके लिए हम लोग क्या करते थे, और यहां पे हमारे सामने 0 to 40, 41 to 80, 81 to 100, ग्रेटर देन 100 ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम आपको हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 40 इस तरह से बनता है, करना पड़ता है, लेस देन 40 ग्रेटर देन 40 लगाना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड होता था। हम इसको वी लुकअप से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डेटा को कुछ और इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 0 और यहाँ पे देना पड़ेगा 500, यहाँ पे देना होगा 41, यहाँ देना पड़ेगा 1000, यहाँ पे देना पड़ेगा 81, 1500 और यहाँ पे 101, 2000। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया एंड हमने डेटा को सिलेक्ट किया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए 1 and 2 दूसरा नंबर रो है, यहाँ देते हैं। अब लास्ट में जो हम हमेशा 0 लगाते थे या फॉल्स लगाते थे, यहाँ पे हम 1 लगाएंगे, तो क्या होगा, तब एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर 0 यहाँ लगा देते हो, 0 आप यहाँ लगा देते हो, इट मीन फॉल्स, तो क्या होगा, एग्जैक्ट मैच करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 32 तो है ही नहीं, तो एग्जैक्ट रिजल्ट कहाँ से आएगा। जब इसमें हम 0 के जगह पे 1 लगाते हैं तो ये मिलता जुलता लुकअप अप्रोक्सीमेट मैच करता है, लेकिन मतलब क्या होता है, ग्रुप लुकिंग करता था, जिससे क्या करेगा 32 को लेके ढूंढेगा कि किस नंबर के बीच में 32 मिलेगा हमें, जिसने दिखाया कि 0 to 41 के बीच में हमको 32 मिलेगा, तो ये 0 के सामने वाली वैल्यू को शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 48 या 47 लिख दूं, अब रिजल्ट चेंज हो गया, क्योंकि 48 47 इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो फिर ये इसके जो
आगे का वैल्यू है वो वैल्यू को शो कर लिया, इसलिए हमने यहाँ पे हर हर का स्टार्टिंग पोजीशन हमने यहाँ पे लिया था। इसको हम एक और फॉर्मूला है लुकअप फॉर्मूला, इससे भी कर सकते हैं। लुकअप हमने इसको सिलेक्ट किया, लुकअप वेक्टर कॉमा रिजल्ट वेक्टर, और एंटर मारेंगे तो वो भी इस काम को कर देगा। लेकिन लुकअप में बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने डेटा को एरे फॉर्मेट में इसमें रख सकते हैं सिंपली। 0, 41, 81, 101 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ये आपका लुकअप हो गया। और फिर रिजल्ट वेक्टर में हम यहाँ पे देते हैं 500, 1000, 1500, 1000 हो गया, and 2000 और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं, तो आप देखिए आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया। समझ में आया? विदाउट सर? नहीं सर। तो ए मेथड समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे बात होती है, हम यहाँ पे एक्सेल को हम खत्म करते हैं, सॉरी इसको वी लुकअप को। लेकिन अगला टॉपिक आता है वी लुकअप के ट्रिक्स, समझे? तो वी लुकअप का ट्रिक्स हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन उससे पहले इन सब चीजों पे आप प्रैक्टिस कर ले तो आगे की चीज आपको समझ में आएगी। सर इसमें अपन जस्टिफाई कैसा करें कि जो आपने फॉर्मूला फर्स्ट वाला लिया या वी लुकअप वाला आया है? मतलब समझाने इसमें हम लोग जस्टिफाई कैसा करें कि आप जो सेपरेट 0 to 40 लिए वो यूज करना है या तो दोनों? तो बेसिकली क्या है कि जब आपको इस तरह की ग्रुप लुकिंग आती है तो ग्रुप लुकिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप लुकिंग नहीं समझे कि 10 से 20 के बीच में जो भी नंबर आएगा वो आना चाहिए, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, समझ गया ना? सही है, लेकिन बोल तो हम लोग को कैसा डिसाइड करना ऑन अ वर्क कल्चर जस्टिफाई कैसा करना चाहिए कि विच वन वी हैव टू यूज, जो थर्ड आपने यूज करा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए लुकअप, वी लुकअप एंड लुकअप में एक ही डिफरेंस है कि लुकअप अपने अंदर डेटा कंटेन कर लेता है, जैसे कि यहाँ दिखाया। तो आप जैसे वी लुकअप आप लगाते हो तो आपको जो है इस एरिया पे, इस रेंज पे आपको डेटा रखना पड़ जाएगा। तो अब आपकी पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि हाँ डेटा यहाँ रख सकते हैं, यूज द वी लुकअप या लुकअप। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार डेटा के लिए खामखा हम इसी काम के लिए इस एरिया को रिजर्व कर रखे हैं, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये छुपा होना चाहिए, तो यू कैन यूज द लुकअप। ओके, दूसरी चीज है, अब आपके पास छोटी डेटा है तभी आप लुकअप यूज करोगे, पहले जान लीजिए। सही है सर। बड़ा होगा तो फिर टाइप करने में दिक्कत होगी, तो वी लुकअप यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये फाइल जो है आप लोगों को मैं भेज देता हूं, आप लोग इस फाइल के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। सुजीत सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे सर, पता नहीं सर। मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल देता हूँ, लेकिन सारी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ओके बाय, सी टुमारो सेम टाइम।